आज रात्री भुसावळमध्ये जळगाव नाकाच्या जवळ मरीमाता मंदिराजवळ स्विफ्ट डिझायरमध्ये जाणारे दोन इसमांवर अज्ञात आरोपींनी गोळीबार केलेला आहे. भुसावळ शहर एक बार फिर हिल गया, जहां जलगांव रोड हाईवे पर पुरानी सड़क पर मरीमाता मंदिर पुल के पास दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. यह हत्या पुराने विवाद के चलते हुई है और पुलिस मौके पर पहुंच गई है. पूर्व नगर सेवक संतोष बारसे और सामाजिक कार्यकर्ता राखुंडे को अज्ञात हमलावरों ने उस समय गोली मार दी जब वे बुधवार रात करीब 9:30 से 10 बजे के आसपास भुसावळ शहर के पुराने सातारा इलाके में पुल के पास एक कार में सवार होकर शहर की ओर आ रहे थे. वो जानकारी मिली है कि हमले में दो की मौत हो गई है और उन्हें पहले भुसावळ शहर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया. उसके बाद उन्हें जलगांव जिला सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस बीच घटना की जानकारी मिलने पर सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंच गए. जानकारी है कि ये हत्याएं पुराने विवाद के चलते हुई है. इस बीच इस घटना से भुसावळ एक बार फिर सहम गया है. भुसावळ सिटी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर गजानन परघन और उनके सहयोगी फरार संदिग्धों के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जलगांव सरकारी कॉलेज भेज दिया गया है.